तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक जॉय कंपनी की ओर से आने वाला हेयर केयर प्रोडक्ट, जिसे मैंने 174 रुपये में फ़्लिपकार्ट से लिया है। तो चलिए मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ इसमें हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है। सो गाइस यार देख सकते हैं पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसमें फ़्लिपकार्ट की ओर से की गई है। और यहाँ पे ये रहा हमारा, मैंने उल्टा बॉक्स खोल दिया है तो आप देख सकते हैं ये जॉय का प्रोडक्ट है, काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है। और साथ में हमें एक मिल जाता है कम्प्लीमेंट्री एक फ्री स्किन फ्रूट ब्राइटनिंग फेस वॉश, ये भी जॉय कंपनी का है। तो गाइस चलिए हम लोग अपने मेन प्रोडक्ट को खोल लेते हैं पहले। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जॉय कंपनी की ओर से आने वाला एक एंटी हेयर फॉल डैमेज कंट्रोल हेयर ट्रीटमेंट मास्क है, यानी एक बालों में लगाने वाली क्रीम जैसा ही प्रोडक्ट है, जिसे लगाने के बाद बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसका साइज़ देख सकते हैं 150 ml वॉल्यूम में ये हमें मिल जाता है। और मैं प्राइस की बात करूं तो 174 में मुझे मिला है, पर इस पे जो प्रिंटेड प्राइस है अगर हम मार्केट में देखेंगे तो 295 रुपये इसमें प्राइस लिखा हुआ रहता है। सो गाइस मैं अभी आपको खोल करके दिखा देता हूँ, इसमें सील पैक्ड है देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो आता है काफ़ी बड़े साइज में रहता है, और जॉय कंपनी की ओर से आने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आते हैं, कम प्राइस में रहते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप देख सकते हैं ये क्रीम जैसा है मास्क, और इसे हमें जो है बालों में लगाते हैं नहाने के बाद, जिससे बालों की जो है नरिशमेंट मिल जाती है, क्योंकि आजकल यार शैम्पू करने के बाद जो है बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, सूखे रूखे बाल हो जाते हैं। तो लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर से बालों को धुलना पड़ता है, तो बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बाल रूखे नहीं होते हैं। यार मैंने तो इसे हाथ में ही लगा करके ऐसे दिखा दिया क्योंकि मुझे अभी इसे यूज़ नहीं करना है, पर मैंने इसे पहले भी यूज़ किया यार, काफ़ी अच्छी फ़ायदा इससे मिला है मुझे। और आप देख सकते हैं इसके साथ ये छोटा सा हमें एक फ्री गिफ्ट भी मिल गया है फेस वॉश के तौर पे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप भी लेना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।